और बच्चे का उम्र केवल 16 साल का है। स्थानीय दलाल की द्वारा इनके जीवन बदल जाने की परिवार को एक ऐसी घोषणा कर दी, ऐसे लालच दिखा दिया, अगर गांव में रहा सिगरेट खैनी गुटखा दारू नशा ये सारा नाम लेकर बच्चों को यहां से भेजा गया। यानी कि दारू यहां बैठने से दारू पिएगा, खैनी खाएगा, सिगरेट पिएगा, इनकी चाल चलन ठीक नहीं होगा, ये अच्छी बात है, लेकिन इसी बात के नाम पर ये बच्चा को यहां भेजा गया। और में इनको कोई मंत्री बनाने के लिए नहीं है, किसी बेस्ट स्कूल का स्टूडेंट बनाने के लिए नहीं था, बल्कि किसी की घर में नौकर बनाने के लिए इनको लेके गए थे। और नौकर ही बना, ऐसा नौकर बना कि आधुनिक युग में इसको मार खाना पड़ा, इनको इनके ऊपर में जुल्म किया गया। मैं देखता हूं कि इनका पैर में घाव है, ये घाव कैसे बना, और इनकी आंखों में मैं देख रहा हूं कि लाल है, ये लाल कैसे बना। इनके साथ में काफी अन्याय हुआ है, और यहां से गांव से बच्चे बाहर चले जाते हैं, इसकी सारा जिम्मेदार गांव के लोग है, कोई नहीं है, मां बाप है और गांव के कुछ लोग हैं और गांव का दलाल है, चंद पैसों के लिए अपना गांव का बच्चा को यहां से सप्लाई करता है, उसको सिर्फ चंद पैसा मिलता है और इसको मिलता नहीं है।